23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किमी का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 6:04 चांद पर सफल लैंडिंग की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने वहीं से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती है। यह पल अविस्मरणीय है, यह क्षण अभूतपूर्व है, यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, यह क्षण नए भारत के जयघोष का है। पीएम बोले, हर देशवासी की तरह मेरा ध्यान चंद्रयान महाअभियान पर लगा हुआ है। मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूँ। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचा है जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुँचा है। आज से चांद से जुड़े कई मिथक बदल जाएंगे। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। चंद्रयान की लैंडिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। गुजरात के सूरत में एक स्कूल के बच्चे खुशी से डांस करने लगे। बेंगलुरु में इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर में वंदे मातरम के नारे लगाए गए। चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आज सुबह से देश भर में लोग पूजा और प्रार्थना कर रहे थे। मंदिरों में हवन पूजन किए जा रहे थे और मस्जिदों में लोग दुआ पढ़ रहे थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को सफल लैंडिंग के लिए खास भस्म आरती की गई। वहीं अजमेर की दरगाह शरीफ में लोगों ने दुआ की। श्रीनगर की हजरत अबुल दरगाह में भी दुआ की गई। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। दोनों परीक्षा में जिसमें स्टूडेंट के ज्यादा मार्क होंगे उसे गिना जाएगा। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं पढ़नी होगी, इनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चुनने की छूट होगी, उन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मिजोरम में बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि राजधानी आइजोल से 20 किलोमीटर दूर सायरांग में सुबह 10 बजे यह हादसा हुआ। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। यह पुल बैराबी को सायरांग से जोड़ने वाली कुरुम नदी पर बन रहा था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची दे ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, रेलवे की ओर से रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर भेजी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। पंडोह में मलबे की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 स्कूल की बिल्डिंग नाले में बह गई। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ मनाली फोरलेन सहित 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शिमला, हमीरपुर और मंडी जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पालमपुर देहरा जयसिंहपुर के स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल यूनिवर्सिटी में 23-34 की परीक्षाएं भी स्थगित की गई है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। ऐसे में लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया है। विक्रम ने लैंड होते वक्त की तस्वीरें भेजी हैं। बता दें कि लैंडर और MOX-ISTRAC बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित कर लिया गया है। यह तस्वीरें लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है। चंद्रयान 3 की सफलता पर एक्टर प्रकाश ने भी ट्वीट किया है। प्रकाश राज ने इसे भारत और मानवता के लिए प्राउड मोमेंट बताया है। इसके लिए उन्होंने इसरो, चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर और इस मिशन में जुटी हर चीज को धन्यवाद दिया है। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने पूछा है कि क्या यह मिशन ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य का पता लगाने और उसका जश्न मनाने के लिए गाइड करेगा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। देश दुनिया की हस्तियां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाइयां और शुभकामनाएं दे रही है। हालांकि मानवरहित चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर एक बयान देकर राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपनी फजीहत करवा ली। उन्होंने कहा, हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूँ। हमारा देश एक कदम और साइंस व स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ा, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूँ और हमारा देश एक कदम और
साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ।